भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यदि आपने ध्यान से समझ ली तो आपके परिवार को कई पीढ़ियों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है और इससे आपको जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी मिलेंगे। यह कहानी है एक गरीब मोची की, जिसे ईश्वर ने एक दिन करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि अपने ही भाई के साथ धोखा करने वालों को भगवान कैसे दंडित करते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है किसी को धोखा देना, और यदि वह धोखा अपने सगे भाई के साथ किया जाए तो यह और भी घृणित अपराध बन जाता है। किसी के साथ धोखाधड़ी करना, उसकी बेईमानी करना या उसका धन हड़प लेना, यह सभी जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पर ध्यान लगाते हैं और इससे मिलने वाले संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसे दो वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह मोची लोगों के जूते चप्पल ठोकने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो स्थायी रूप से वहां बैठकर अपना काम कर सके। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था, और उसके काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी जीविका चलती थी। दोस्तों, वह बड़ा संतोषी था। इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। फिर दोस्तों, एक समय की बात है, सावन का महीना आता है और आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्तगण सावन में उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं, शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण कर करते हैं। दोस्तों, रोज की तरह वह मोची सड़क किनारे बैठकर जूते चप्पल गांठ रहा था। फिर उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तभी मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल संभाल रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। दोस्तों, लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा तो उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ ले जाऊं और उन पर जलाभिषेक करूं। लेकिन वह बेचारा मन मार कर रह गया और सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, तो मैं कांवड़ कैसे ले जाऊंगा। पूरे दिन कमाता हूँ, तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कांवड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। दोस्तों, इस तरह वह मोची यह सब बातें सोचकर मन को मारता रहता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ लेकर जाकर जलाभिषेक जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल जब सावन का महीना फिर से आएगा। दोस्तों, इस तरह से विचार करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त रहता है, लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जाकर के लोगों के जूते चप्पल संभालता था। दोस्तों, फिर एक दिन वह मोची कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी जो कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नजर पहुंचती है तो उसने देखा कि वहां पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। फिर मोची ने सोचा कि मैं इस गुल्लक को ले लूं और रोज जो पैसा कमाता हूं उसमें से दो चार पैसे बचाकर इस गुल्लक में डालता रहूंगा। इसी तरह से मैं एक साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूंगा कि अगले साल मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जा सकूं और उन्हें जलाभिषेक कर सकूं।
दोस्तों, मोची उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला आता है और घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए हम गुल्लक लेकर आए हैं। तब पत्नी कहती है ओजी इसका क्या करोगे। तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई और कहने लगा, हे प्रिय, हम जो रोज पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम पैसा को 2 पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। जो धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद उन पैसों से हम एक कावड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कावड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, प्रिय, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। फिर दोस्तों, अब तो वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं और शाम को जो पैसा कमा के मोची लाता है उसमें से जो 2 पैसे बचते थे उन्हें गुल्लक में डाल देता था। इस तरह से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद उसने अपनी गुल्लक को भी भर लिया। दोस्तों, उधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कावड़ लेकर जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। दोस्तों, इधर मोची ने जैसे ही देखा उसने भी सोचा कि इस सावन में तो मैं जरूर भगवान शिव के ऊपर कांवड़ चढ़ाऊं। दोस्तों, फिर अब वह अपने घर पर चला जाता है और घर पर जाकर अपनी गुल्लक को तोड़ता है और उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कांवड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कांवड़ खरीदता है और उसे बहुत अच्छी तरह सजाता है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है और गंगा स्नान करता है। फिर वहां पर अपने लोटे में जल भरकर अपनी कांवड़ में रखकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो दोस्तों शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कांवड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ निष्काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चलता चला जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव और माता पार्वती भी इस दृश्य को देख रहे थे। कहते हैं कि भगवान की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है, वे सब कुछ देखते हैं। लेकिन कुछ लोग यह समझते हैं कि चाहे जितना भी गलत काम कर लें उन्हें कौन देख रहा है। ऐसे लोग दुनिया से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं। वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर हर जगह है, हर एक कण में मौजूद है और हमारे हर कर्म को देख रहा है। दोस्तों, जब भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देख रहे थे तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु देखिए आपका यह कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से यह बेचारा पैसे इकट्ठा कर रहा था और अब जाकर इसने कावड़ बनाई है। यह बड़ी श्रद्धा के साथ आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए चला आ रहा है। तब भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, मैं भी देख रहा हूँ। यह सही है कि यह मेरा भक्त 1 साल से योजना बना रहा था और पैसे इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि क्या यह वास्तव में मेरा सच्चा भक्त है या नहीं। इसके मन में मेरे प्रति असली आस्था है या केवल बाहरी दिखावा है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यह मेरे दिल में मुझे बसा चुका है या नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया, हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लीजिए, यह बहुत गरीब है और उसने 1 साल से कड़ी मेहनत करके पैसे जुटाए हैं। अगर यह परीक्षा में असफल हो गया तो इसकी मनोकामना अधूरी रह जाएगी और यह बेचारा निराश हो जाएगा। दोस्तों, तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, सच्चे भक्त की ही मैं परीक्षा लेता हूँ और मैं भली भांति जानता हूँ कि कौन सच्चा भक्त है। मैं इसके हृदय को देख चुका हूँ, इसलिए इसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। तब माता पार्वती ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
दोस्तों, इधर वह भक्त कावड़ लेकर भजन गाता हुआ खुशी खुशी आगे बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर भगवान शिव ने बूढ़े बाबा का वेश धारण कर लिया और उसी रास्ते में जा बैठे जहां से कांवड़िए गुजर रहे थे। जब भी कोई कांवड़िया वहां से गुजरता तब भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में उनसे कहते, हे भाई, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरी जान प्यास से जा रही है, कृपया मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचा लो। दोस्तों, कांवड़िए उस बूढ़े आदमी को देखते और कहते, यह बूढ़ा क्या कह रहा है, इसे पता नहीं कि यह जल हम भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं, अगर इसे पानी पिला दिया तो भगवान पर क्या चढ़ाएंगे, यह बूढ़ा चाहे मर जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी यात्रा इस बूढ़े के लिए नहीं रोक सकते। दोस्तों, वहां से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं भगवान शिव बूढ़े बाबा के वेश में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों, उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है, कैसी भक्ति है जो एक मनुष्य का दुख किसी को नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बहुत देर के बाद जब वही मोची आता है जो भगवान की भक्ति में लीन था और जैसे ही वह उनके सम्मुख आता है भगवान के पास से होकर गुजरता है। बूढ़े बाबा के वेश में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकल रहा है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मैंने कई कावड़ियों से जल मांगा लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझको नहीं दिया, मैं प्यासा मर रहा हूँ, कैसे यह भोलेनाथ के भक्त है जो कि किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे, जिस लोटे में आप यह जल लेकर जा रहे हो यह जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। दोस्तों, फिर बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है, सोचता है यह बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं, जल तो मैं इन्हें पिला दूं लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं, मैंने एक साल से पैसे इकट्ठे किए थे तब यह कांवड़ सजा पाई है, बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से यह कांवड़ में जल लेकर मैं जा रहा हूं, एक साल से मैं इंतजार करता रहा था कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करूंगा, फिर एक साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। दोस्तों, मोची सोच विचार में डूबा हुआ था, इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा क्या सोच रहे हो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब बूढ़े रूपी बाबा भोलेनाथ को पानी के लिए गिड़गिड़ा हुए देखकर मोची एकदम करुणा से भर जाता है और उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ करना, मैं यह कावड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा, फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पण करूंगा, यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिलाए देता हूँ, हे प्रभु मुझे क्षमा करना क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल हो रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी जान बचाऊं, अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जल अभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा, सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इनकी जान बचाऊं, अगर पानी के बिना यह मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। फिर दोस्तों, यही सोचकर मोची ने वह जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। दोस्तों, उसे नहीं मालूम था कि यह बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन उसने मानव सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है, परंतु कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगले वर्ष चढ़ा दूंगा,
दोस्तों यह कहकर वह मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव जो बूढ़े बाबा के वेश में थे उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। जब भी आप घर जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएं, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाओ। फिर मोची सोचने लगा, पता नहीं यह बूढ़े बाबा क्या देंगे। फिर जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों को उस मोची को दे दिया और कहा, यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और यह लोटा ले जाना। फिर शाम के लिए जहां तुम पूजा करते हो उस जगह को लीप कर इस लोटे को बंद करके रख देना और सुबह दोनों पति पत्नी उठकर पूजा करना और पूजा करने के बाद यह लोटा खोल कर देखना। दोस्तों भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देने के बाद वहां से चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, जिससे उसकी पत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची ने कहा, प्रिय, जिन बूढ़े बाबा को मैंने जल पिलाया था उन्होंने मुझे यह लोटा दिया है और कहा था कि इसे पूजा के स्थान पर रख देना, फिर सुबह पूजा के बाद इसे खोलकर देखना। दोस्तों फिर उसकी पत्नी ने उस जगह को लीपकर लोटा वहीं रख दिया। फिर अगली सुबह जब पति पत्नी स्नान ध्यान करके पूजा करने बैठे तो मोची ने लोटा खोलते ही देखा कि वह सोने की मोहरों से भरा हुआ था। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और दोनों पति पत्नी भावुक हो उठे। वे कहने लगे, प्रभु यह तो अपार धन है, ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ने हम पर अपनी कृपा की है। फिर मोची आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय लगता है कि वे बूढ़े बाबा वास्तव में भोलेनाथ ही थे, मैंने उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन धन्य है भोलेनाथ की लीला, उनकी कृपा से यह साधारण बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गया। दोस्तों इस घटना के बाद मोची की भगवान शिव में श्रद्धा और भी बढ़ गई। सोने की मोहरे पाकर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। बाद में मोची ने उन मोहरों को बेचकर एक दुकान खरीदी और उसमें जूते चप्पल का काम शुरू किया। फिर भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। उसने इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया और पैसे कमाने के बाद उसने एक अच्छा मकान बनाया और उसमें आनंद से रहने लगे। दोस्तों वह मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर दे और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दे तो वे भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस मोची ने भगवान को नहीं भुलाया और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। फिर खुशियां भगवान शिव उसके घर में देती रही और सारे भंडार उसके भरते रहे। दोस्तों उधर उस मोची का एक भाई था जिसकी पहले से ही एक दुकान थी और वह भी बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो मेरा भाई रोज जूता चप्पल ठीक करता था, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल था, वह आज अचानक से इतना बड़ा सेठ बन गया। यह गरीब बड़ा पैसे वाला कैसे बन गया? इसने दुकान भी खरीद ली और एक अच्छा सा घर भी बना लिया, इसके पास तो बहुत पैसा है। दोस्तों फिर अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती है और उसके कलेजे निकल रहे थे। अपने मोची भाई की तरक्की उसे हजम नहीं होती है और अब वह इस बात से दुखी रहने लगा कि दिन रात मन ही मन अपने भाई से द्वेष करने लगा। दोस्तों यह स्वाभाविक है कि अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है और अच्छी कमाई होने लगती है तो ईर्ष्या करने वाले भी लोग बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार मोची का भाई उससे जलने लगा, वह उसे किसी भी तरह से नीचे गिरा देना चाहता था।
फिर उसने क्या किया कि उस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि इस मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुराकर अपनी दुकान में रख लिए हैं। तब दोस्तों गांव वालों ने उसे पूछा, क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं। तब उसका भाई भी वही खड़ा हुआ था, जिससे भाई कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। दोस्तों अपने भाई की बात सुनकर वह मोची रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है, यह तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ दिया है। फिर दोस्तों उसने सारी बात बताई, सारी घटना सुनाई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ और लोग कहने लगे, यह बूढ़े बाबा कौन है? तब मोची ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया, मैं भगवान पर जलाभिषेक करने जा रहा था, तब रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले, जो मैंने उन्हें वह जल पिला दिया जिससे उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए थे, और वे बेलपत्र ही सोने की मोहरों में बदल गए। उन्हीं मोहरों को बेचकर मैंने यह सब किया है, मैंने किसी की चोरी नहीं की है। दोस्तों मोची की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे, यह पागल है, भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। तब वह जवाब दिया, नहीं, आप विश्वास करिए, यह भोले बाबा ने ही मुझको दिया है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इस दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं, जब तक चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी जाएं तो भी वे नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोभ लालच में इतने फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। और यह बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ लालच माया का पर्दा पड़ा हुआ है और माया ने उसे ढक लिया है, तो भगवान अपने रूप में भी क्यों ना आ जाए, तब भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। दोस्तों गांव के लोगों ने कहा, यह मोची हम सबको बेवकूफ बना रहा है, भोले बाबा किसी को आकर कुछ नहीं देते। तब दोस्तों वह मोची बहुत रोया और भोले बाबा से शिकायत करते हुए बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? आपने तो मुझे यह धन दिया और आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया। यह सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया गया। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया है। संसार की तो छोड़ो, मेरे अपने भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आपने मुझे कुछ भी न दिया होता, मैं गरीब ही रहता, कम से कम चोर तो नहीं कहलाता। दोस्तों इस तरह से वह मोची भोले बाबा को याद करके बहुत रोया। फिर उसके भाई ने कहा, भाइयों, हम इसे ऐसे नहीं मनाएंगे, हम पूरे गांव की पंचायत बुलाएंगे, यह तभी मानेगा जब पंचायत में अपना अपराध स्वीकार करेगा। दोस्तों फिर अगले दिन उसका भाई गांव की पंचायत बुलाता है, जिससे पंचायत में उसने कहा, मेरा मोची भाई चोर है, इसने मेरी दुकान का सारा सामान और पैसा चुरा लिया है और अमीर बन गया है, मुझे मेरा पैसा दिलाओ। यह मेरा भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक है, मुझे क्या पता था कि यह इतना बड़ा चोर है। फिर पंचों ने मोची से पूछा, क्या यह सच है कि तूने पैसा चुराया है? दोस्तों तब मोची रोता हुआ हाथ जोड़कर कहता है, हे पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और सच कहता हूँ कि मैंने इनके दुकान से कोई पैसा या सामान नहीं चुराया है। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा अर्थात भोले बाबा की कृपा हुई है, और जो कुछ भी मेरे पास है वह सब भोले बाबा ने दिया है। मोची ने अपनी पूरी दास्तान पंचों के सामने रखी, लेकिन पंचों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, तो अब तू हमें भी बेवकूफ बनाना चाहता है? भोले बाबा किसी को कुछ देने थोड़ी ही आते हैं। दोस्तों मोची ने फिर से कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भोले बाबा ने ही दिया है।
दोस्तों, लेकिन पंचों को विश्वास नहीं हुआ और अब मोची बहुत दुखी हो गया और भोले बाबा को याद करके रोने लगा। हे प्रभु, यह कैसी लिया है, मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया, मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप ही मुझे इस कलंक से निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब वह मोची रोते रोते भोले बाबा को याद करता है तो भोले बाबा तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं और क्रोधित होते हुए वे कहते हैं, दुष्ट लोगों, तुम मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया है, इसे जो कुछ भी मिला है वह मैंने इसे दिया है। दोस्तों, जैसे ही सभी ने भोले बाबा को देखा, वे उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे, प्रभु कृपा करके हमें माफ कर दें। तब भोले बाबा ने बताया, इसका भाई ईर्ष्या के कारण अपने भाई से जलता है, इसलिए उसने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे स्वार्थी इसका भाई है। सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था और सड़क किनारे जूते चप्पल ठीक करके किसी तरह अपना गुजारा करता था, तो इसके भाई ने इतने पैसे वाले होते हुए भी इसकी कभी मदद नहीं की। उसने कभी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या कठिनाई है, तुम्हें क्या परेशानी है, और अब जब मैंने इसे दिया है तो इस पर चोरी का आरोप लगा रहा है। सबसे बड़ा दुष्ट इसका भाई है, मेरा भक्त कभी चोर नहीं हो सकता, यह झूठ बोलकर इसे फंसा रहा है। अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मेरे भक्त को परेशान करने की सजा तुम सबको जरूर मिलेगी। दोस्तों, फिर सभी लोग भगवान भोलेनाथ के सामने जमीन पर गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे, प्रभु हमें माफ कर दो, हम आपकी लीला को नहीं समझ पाए। फिर सभी ने क्षमा मांगी, तब भोलेनाथ का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने अपने भक्त मोची से कहा, हे पुत्र, मुझसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब मोची ने कहा, हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सबको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे, और यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूँ, आपके चरणों में भक्ति करता रहूँ, आपका नाम जपता रहूँ और आपका ही गुणगान करता रहूँ। जब मेरे प्राण निकलें तब भी आपका नाम लेते हुए निकलें। दोस्तों, अपने भक्त की यह बात सुनकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सारे लोग और उसका भाई उससे माफी मांगने लगे और कहने लगे, तुम ही सबसे बड़े भक्त हो, हम लोग तो मोहमाया में फंसे हुए थे, इसलिए अच्छाइयों को नहीं पहचान पाए, हम बुराइयों को ही देख पाए, जबकि अच्छाई वही लोग देख पाते हैं जो मोहमाया, लोभ और लालच से दूर होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान उनके मांगने से पहले ही उनकी आवश्यकताओं को समझ लेते हैं। वहीं जिनके अंदर अभिमान, घमंड और दिखावा है, जो समाज के प्रति दया नहीं रखते, उनकी बड़ी से बड़ी सेवा और दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान उसी से प्रसन्न रहते हैं जो सभी जीवों के प्रति दयावान रहता है, जिनके दिल में कठोरता और दया की कमी होती है, चाहे वे दिन रात भगवान के मंदिर में बैठे रहें, भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का असली अर्थ है सभी जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना और उनकी सेवा करना। तो दोस्तों, इस तरह आज की कहानी समाप्ति होती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और यदि आप इस चैनल शर्मा स्टोरी नंबर 1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।